गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई 11th वीडियो क्लासेस फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। द चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का अर्थ होता है हिंदी में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, तथा केमिकल चेंज का हिंदी में अर्थ होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अर्थात भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी का अवलोकन किसी भी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी का अवलोकन उसे हम लोग देख करके छू करके करते हैं, जैसे कलर, स्मेल, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा। अगर पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, अगर मैं पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है तो वह फिजिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल स्टेट में परिवर्तन, और वह परिवर्तन अस्थाई नहीं होता है, टेम्पररी होता है। अगर उस स्टेट को, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर का बर्फ में, आइस में कन्वर्शन फिजिकल चेंज कहलाता है, क्योंकि पुनः बर्फ पिघलने के पश्चात पानी में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात फिजिकल चेंज वह चेंज है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पर पानी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और पानी से बर्फ बन रहा है, और बर्फ तो बर्फ का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो पुनः अगर हम चाहें कि बर्फ, यहाँ पर हम बर्फ को जब पिघलने के लिए छोड़ देते हैं तो वह पुनः पिघल करके पानी बन जाता है। अर्थात किसी भी रिएक्शन का दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट। रिएक्टेंट पार्ट में हमारा वाटर है और प्रोडक्ट पार्ट में हमारा आइस। तो पुनः जब प्रोडक्ट पार्ट यानी आइस को हम विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो वह अपने पूर्व फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर लेता है। अर्थात बर्फ जो है, आइस जो है, पुनः पिघलने के पश्चात वाटर में परिवर्तित हो जाता है। यानी यह रिवर्स डायरेक्शन में, फिजिकल चेंज में प्रोडक्ट पार्ट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वी कैन डिस्क्राइब इट इन दिस वे, फिजिकल चेंज इज द टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट कैन बी रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल,
मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ घी, घी का पिघलना, कन्वर्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनटू गैसियस स्टेट, हीटिंग ऑफ कैम्फर ऑल्सो फिजिकल चेंज, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ऑल्सो फिजिकल चेंज। कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो ब्लू कलर से डिसअपेयर होकर के वाइट हो जाता है, पुनः वाटर का स्प्रिंकल करते हैं तो फिर से वो अपने ब्लू कलर को रिगेन कर लेता है। इस प्रकार से वी कैन से दैट फिजिकल चेंज इज द टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन कैन बी मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पुनः वह ओरिजिनल अपने वास्तविक फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर लेता है, यानी बर्फ जो है वो पानी बन जाता है फ्रीजर में डालने पर, और बर्फ को पिघलने के पश्चात वह पुनः फिर से पानी का बन जाना वह अपने वास्तविक ओरिजिनल फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर लेता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन, पदार्थ का केमिकल प्रॉपर्टी का बदलना केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज में पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों कंप्लीट रूप से बदल जाते हैं, और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है। इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड केमिकल चेंज कैन नॉट बी मूव्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। केमिकल चेंज को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं, अतः केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज एंड फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज को हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट आवर केमिकल चेंज कैन नॉट बी मूव टुवर्ड्स इन रिएक्ट, कैन नॉट मूव इन आवर ओरिजिनल स्टेट, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल चेंज जो है उसको हम लोग केमिकल चेंज जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, यह इरिवर्सिबल चेंज है। तो केमिकल चेंज में इसमें पदार्थ के पूरी तरह से उनके फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फिजिकल स्टेट गैसियस है, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट बदल गया, पूरी तरह से फिजिकल स्टेट बदल गया। केमिकल प्रॉपर्टी, वाटर इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशेस फायर, पानी का उपयोग, जल का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन गैस जो है वो सपोर्टर ऑफ कम्बशन है। ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में मदद करता है और हाइड्रोजन गैस खुद हाईली इन्फ्लेमेबल है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी कम्प्लीटली बदल गया, हाइड्रोजन लिक्विड के रूप में, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड,
बट द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज गैसियस, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। पानी को आग बुझाने में उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस हाइलीन फ्लेमेबल पूरी तरह से उच्चतम ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलने में मदद करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया। तो केमिकल चेंज इज दैट चेंज, केमिकल चेंज इज द परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है, अस्थाई परिवर्तन है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन डिस्क्राइब इट, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट कैन नॉट, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वी कैन से दैट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वी कैन से दैट इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल चेंज एंड इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, Mg+O2 MgO, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। बर्निंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ वैक्स इज आवर केमिकल चेंज। मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है, मोमबत्ती का जलना बर्निंग ऑफ कैंडल इज वन ऑफ द चेंज दैट कंटेनिंग द बोथ चेंज, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना वह परिवर्तन है जिसमें जो कि फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, क्योंकि इसमें पहले मोमबत्ती पिघलता है, उसके बाद बत्ती मेल्टेड जो वैक्स होता है वो वीक के सहारे, बत्ती के सहारे कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें चढ़ते जाता है और वो जलता है। तो यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है और मोमबत्ती का जलना वो केमिकल चेंज है। वीक के द्वारा उस मोमबत्ती के बत्ती के द्वारा जो मेल्टेड वैक्स है वो उसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा उसमें चढ़ते जाता है और वो जलता है। इस प्रकार से मोमबत्ती का जलना वन ऑफ द चेंज विच कंटेनिंग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज वो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है वो दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। नाउ आवर टुडे वीडियो क्लास इज गोइंग टू फिनिश फॉर टुडे टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।